ऋग्वेद के समय कृषि मुख्य व्यवसाय है, लेकिन मार्क्सवादी विद्वान डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने बताया है कि नहीं, अनेक पेशों का विकास, कपड़ा बुनने का विकास, चर्म उद्योग का विकास, लोहे का विकास ऋग्वेद के समय हो चुका था। उस समय की अर्थव्यवस्था मूलतया कृषि पर, पशुपालन पर, और उसके आगे स्थानीय स्तर पर होने वाले छोटे छोटे उद्योग, कृषि के उपकरणों से जुड़ी व्यवस्था, हुनर और पशुपालन को व्यवस्थित करने की व्यवस्था, इससे मूलतः जुड़ी हुई है। लेकिन इसके साथ ऋग्वेद में ज़्यादातर मंत्र इंद्र की स्तुति में आए हैं, और इंद्र की स्तुति में उन्हें कहा गया है कि आप जलधाराओं को रोकने वाले व्रत का वध करते हैं। बाद के लोगों ने माना कि वृत्तासुर नाम का कोई दैत्य था और इंद्र ने उसको मारा। वैदिक इंडेक्स में मैकडनल और कीथ ने स्पष्ट किया है कि नहीं, ये और कोई नहीं था, ये सूखे का दानव कहने की इच्छा थी, डेमन ऑफ ड्राट उन्होंने शब्द प्रयोग किया। सही बात यह है कि कुछ लोग बांध बना देते थे कि पानी हमारे यहाँ तक ना आए, कृषि सूख जाएगी, इसलिए उस बांध को तोड़ने वाला या उस बांध को बनाने वाला, उससे इंद्र की लड़ाई होती थी। इसी प्रकार आकाश से जब पानी नहीं बरसता तो माना जाता था कि इंद्र जलों के अवरोध को रोकते हैं। जल जीवन है, पानी पीने के काम आता है और तमाम काम आता है, लेकिन विशेषतया जल की चिंता, जलाभाव की चिंता पर्यावरण और कृषि को लेकर ऋग्वैदिक समाज में दिखाई पड़ती है। और यह धारा इतना नीचे तक चली आती है, महाभारत में नारद जाते हैं युधिष्ठिर के पास और पूछते हैं सब ठीक ठाक है, इसके उत्तर में युधिष्ठिर कहते हैं कि हाँ देवर्षि, हमारी कृषि बादलों पर निर्भर नहीं है। तो कुशल क्षेम उन्होंने केवल पूछी, कुशल क्षेम का अर्थ कि कृषि के लिए पानी की उपलब्धता है। नारद पूछते हैं युधिष्ठिर से कि सब ठीक ठाक है, चिंतयति अर्थ्यम, अर्थशास्त्र के बारे में विचार करते हो कि नहीं करते हो? तो अर्थशास्त्र के बारे में जो महाभारत में बात आई, ये ऋग्वैदिक समाज के प्रवाह में आगे आते हुए महाभारत तक फैली हुई है, व्यापक दिखाई पड़ती है। कुछ विद्वान मानते हैं कि उस समय का अर्थशास्त्र बहुत पिछड़ा था, मुद्रा नहीं थी और वस्तु विनिमय ज़्यादा था। लेकिन ऋग्वेद के ही एक मंत्र में एक शब्द आया है निष्क, तो उसके लिए कहा गया है कि आपका रूप तो एक है, लेकिन आपके बदले भिन्न भिन्न रूपों वाली वस्तुएं मिलती हैं। आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है, आपका रूप एक है, मैं दोहराए देता हूँ, आपका रूप तो एक है, निष्क मुद्रा जैसे नोट हमारा, उसका रूप तो एक है, लेकिन उससे मिलने वाली वस्तुएं, उसके बदले में मिलने वाली वस्तुएं भिन्न भिन्न रूपों की होती हैं। अनेक विद्वानों ने इस बात को सही पाया है कि हाँ उस समय कोई मुद्रा रही होगी। अभी भी जो भारत की मुद्रा है उसका नाम रुपया है, रूपया, या माने जो जो रूप है, जो रूप दिखाई पड़ता है उसके पीछे तमाम तरह के रूप हैं। तो वैदिक समाज अर्थशास्त्र की दृष्टि से, अर्थ ज्ञान की दृष्टि से बहुत समृद्ध था, और कौटिल्य ने जब अर्थशास्त्र लिखा तो अनेक उद्धरण उन्होंने ऋग्वैदिक समाज से लिए हैं। और जब हम स्वास्थ्य के बारे में विचार करते हैं, निरोगी रहने के बारे में विचार करते हैं, स्वस्थ और प्रसन्न मन, आनंद मगन जीवन के बारे में विचार करते हैं, तो इसकी मुख्य धुरी एक अर्थ भी है। मन तो है ही, अर्थ भी है, इसलिए हमारे पूर्वजों ने धर्म अर्थ और काम को, कौटिल्य ने धर्म अर्थ और काम को सुख का, आनंद का स्रोत बताया था।